वी नीड टू टॉक। हमें मिस्टर अय्यर वाले पोर्ट पर नहीं बल्कि दूसरे पोर्ट पर जाना होगा। करण तुम थोड़े पागल थे मुझे पता था, लेकिन इतने पागल हो उसका आइडिया नहीं था मुझे। विक्की को तिहाड़ ले जाके मरवाने में कोई फायदा नहीं है बख्तावर, उसे बैंकॉक ले जाने में ज्यादा फायदा है। कमांडो जो कहा गया है करते हैं, नहीं तो। नहीं तो क्या, सल्यूट बजाते रहोगे तो ड्यूटी कौन करेगा सफर? तुम करोगे ड्यूटी। तुम्हें अभी गोली मार दूं ना तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा सर। सो डोंट टेस्ट माय पेशेंस। एकदम काले दो आग हो, मालूम नहीं पड़ रहा सर इन्हें करेक्ट बोल रहा है या इनके काना बज रहे मारिया वारिया की आवाज। वी बीन कॉम्प्रोमाइज, हम पे कभी भी अटैक हो सकता है। तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है क्या? यस करण। होम मिनिस्टर लीला चौधरी होटल पार्क इंटरनेशनल पहुंची, बेटा भी है साथ में। तो उससे क्या प्रूव होता है? वेल, कुछ इंटरेस्टिंग फुटेज है, टेक अ लुक। सर, होम मिनिस्टर का बेटा दिशांक इन्हीं से मिल रहा है। बट करण, ये लोग सब बड़े लोग हैं और तुम्हारे लिए रिस्क भी बड़ा है। छोटे में आज तक मजा ही नहीं आया सर। करण, मैसेज आ गया, प्रेसिडेंशियल सुइट 650। अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, जिसके बारे में ना उसने पेपर ट्रेल छोड़ी है ना इलेक्ट्रॉनिक, सारे के सारे डिटेल्स उसकी खोपड़ी में है बस। इसीलिए उसे मारना बेवकूफी है, और वैसे भी मेरी मॉम उसे लाने के लिए अपने खास लोगों की टीम भेजने वाली है। निशांक, हम तुम्हारी मॉम से मिलना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके। लेट अस नो आवर प्लान। अरे भाई, पता तो चले कौन कौन है उनकी टीम में। रणवाल जी, जो विक्की को वापस लाने वाले हैं। जी डोंट वरी, प्लीज प्लीज डोंट वरी, उस टीम में हमारे खास चुने हुए लोग ही होंगे। एसीबी बख्तावर खान, हम अश्योर करते हैं अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके साथ बहुत सिविल रहेंगे। वी ऑल्सो अश्योर योर फुल कोऑपरेशन ऑफिसर। मारिया शेफ बेस्ट फेलो,
इसको बोलना बहुत मुश्किल, सिर्फ चश्मिश टाइप की लेडी से बात किया ना जिंदगी भर। Myself Reddy. Hi. Bhavana Reddy. Inspector. Encounter Inspector. Lipstick shade super stylish. कहाँ से लिया है? Thank you, Inspector. I really don't remember. I didn't get your name. I didn't give it. ओह विक्की, सामने मेडिसिन रखी है पर तुम खुद से तो लोगे नहीं ना? कोई सोच नहीं सकता क्या कि इतना बड़ा क्रिमिनल है? नहीं, किसकी वाइफ इतनी हॉट होगी? जिंदा इसी की वजह से हूं, और अब तक जिंदा इसी ने रखा है। अच्छा, बस बहुत हो गई मेरी तारीफ, कम ऑन, टेक इट। तुम्हारे रोमांटिक सीरियल का एपिसोड खत्म हुआ हो तो काम शुरू करें। ओह मैन, आई एम स्केयर्ड, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। लिसन यू होली देन दाउ पीस ऑफ शिट, मैं सिर्फ एक कहानी हूं जो मेरे ही देश के करप्ट और कमीने पॉलिटिशियंस ने फैलाई है। ब्लैक मनी इज इक्वल टू विक्की चड्ढा, चैप्टर ओवर। उन्हें सिर्फ बलि के लिए एक बकरा चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। डोंट यू गेट दैट, डैम इट, मैंने कुछ नहीं किया है। डिमोनेटाइजेशन के बाद और भी जरूरी हो गया है कि विक्की चड्ढा को आप हिंदुस्तान ले आओ। अगर उसे वहां कुछ हो गया ना तो उसके लोग यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इट विल बी अ वॉर। या उसे सेफली इंडिया ले आओ। आप दोनों को क्या लगा? मेरे हिसाब से तो ये तुम जितना समझते हो उससे ज्यादा तेज है विक्की, इसलिए अपना दिमाग मत लगाओ। जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। तुम्हारा दिमाग तो उसका वाइफ को देख के ऑफ हो गया ना? लेडीज एंड पुलिस इंस्टिंक्ट, करेक्ट ना? टेल टू मी जफर, मिस्टर अय्यर ने तुम्हें लैपटॉप दिया है ना? हाँ। कुछ काम कर लें क्या? सब क्लीन है, सब कुछ साफ करके रिबूट कर दिया इसने। साइबर सेल में तो विक्की चड्ढा होना चाहिए था। ये कुछ तो प्लान कर रहा है जफर, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है विक्की चड्ढा? मिस्टर अय्यर, देयर्स अ प्रॉब्लम मिस्टर बक्तावर। आज पुलिस ने 4 शार्प शूटर्स को मलेशिया में एंटर होते हुए अरेस्ट किया। दुबई कनेक्शन, दिस कैन बी अ कोइंसिडेंस। मुझे लगता है या तो विक्की पर अटैक होगा या हम पर। करण, पक्की इन्फॉर्मेशन है, विक्की के तिहार आते ही ये लोग पैसों की इन्फॉर्मेशन निकलवा के उसे मरवा देंगे। सर, विक्की इंडिया आएगा ही नहीं, सबके सोते ही उसके कमरे में घुस के पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा। उन कमीनों के हाथ में कुछ नहीं आएगा सर। सो रहा है। तुम मुझे लोरी सुनाने तो आई नहीं हो। बोलते अच्छा हो। तुम्हें देखकर बात अपने आप निकल आती है। सोचते भी अच्छा हो। ऐसे ही घूरोगी ना तो सोचना बिल्कुल बंद हो जाएगा।
और देखने की आदत तो है ही अलग। तुम दिखती जो ऐसी हो। तुम्हें लगा इसीलिए आई हूं, राइट? आई एडमिट तुम्हें रेसिस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर पागलों की तरह प्यार करती हूँ व्हीलचेयर पे पड़े अपने उस हस्बैंड से। दुबई शहर की हासिल बसल से दूर एक शांत एरिया में हमारा प्यारा सा एक घर था। काफी खुश थे विक्की में और हमारी तारा। एक अच्छी और ऑनेस्ट लाइफ जी रहा था विक्की। वो एक सक्सेसफुल बैंकर था, एक लीडिंग बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ दुनिया भर के टॉप क्लाइंट्स हैंडल कर रहा था। एक इंडियन एम्बेसी की पार्टी में इंडिया के कुछ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन से किसी ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया। अगले दिन उन्होंने विक्की को लंच पर बुलाया और 10% पर अपना ब्लैक मनी घुमाने का ऑफर दिया। जब विक्की ने मना किया तो धमकी दी कि इंडिया में उसके बूढ़े पेरेंट्स को मार देंगे। और एक दिन मॉर्निंग वॉक पे गए, उसके डैड अचानक गायब हो गए। उन्होंने कहा कि यही होगा उसकी माँ, मेरे और हमारी बेटी के साथ। बस फिर विक्की ने माफ़ी मांगी और वो मान गया। और वहाँ इंडिया में उन्होंने विक्की का एक पुलिस रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। विक्की को एक मॉन्स्टर बना के रख दिया उन फाइल्स में। उसके अलग अलग चेहरे वाली बात, उसकी जब गायब हो जाने वाली बात, एक हवा बना के रख दिया मैंने विक्की को। एक दिन उसने मुझसे कहा, मारे बस मैं अथॉरिटीज को सब कुछ बताना चाहता हूँ, आखिर कब तक अपने देश को लूटता रहूंगा। मैंने उसका साथ दिया, उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कॉन्टैक्ट किया, लेकिन उसके अगले ही दिन उससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं था ऑफिसर। तारा वॉज द लाइट ऑफ आवर आईज और हमने उसे खो दिया, लेकिन मेरा अकेले सिर्फ विक्की बच गया। मैं अपने आप को ब्लेम करती रही, लेकिन विक्की ने कहा, मुझे मेरी सजा मिल गई। अगर अब ये पैसे मैं उन लोगों को नहीं, अपने लोगों को लौटाऊंगा जिन्होंने हमारी बच्ची को मारा है, उनसे बदला लेना है अब। प्लीज करण, बदला लेने में हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी बात क्यों मान लूं? भीतर कल के सारे रिकॉर्ड चेक कर लो, और अब आज की बात आई प्रॉमिस मैं विक्की को मना लूंगी कि वो तुम्हें सब बता दे, उन सबके नाम, उनकी गलतियों के सबूत, पैसा कहाँ है वो भी। प्लीज हमारी मदद करो। और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? दो चीज। पहला, तुम उन सब कमीनों को जेल पहुंचाओगे, और दूसरी, हमारी सेफ्टी, हमें थाईलैंड बॉर्डर तक पहुंचा दो। बैंकॉक में हमारे रिश्तेदार हैं, वहां हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हम लोग नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। और मुझे तुम्हारा यकीन करना चाहिए। हाँ करण, क्योंकि मैं विक्की को बचाने के लिए और तारा का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। पति से इतना प्यार करने के बावजूद इससे भी आगे बढ़ सकती हूं। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, सिविल कोर्ट रिकॉर्ड्स, मैरिज रजिस्ट्री, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, उसने जो भी कहा आपसे सारे फैक्ट्स हैं कमांडो। 4 साल की बेटी थी उसकी। हम रोड बदल रहे हैं, अब आप लोग एक बोट से जाएंगे और एक ऐसे पोर्ट पर उतरेंगे जो मलेशिया थाईलैंड बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर है। वहां मेरी टीम आपको रिसीव करेगी और एक प्राइवेट एयरफील्ड पर ले जाएगी,
जहां से चार्टर्ड फ्लाइट में आप इंडिया वापस जाओगे। प्राइवेट एयरपोर्ट फील्ड पे ड्यूटी फ्री दुकान होते हैं ना, इसको पता होगा।